सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शालीनता से बात कीजिए दोस्तों, इज्जत मुफ्त में मिलेगी। आपकी खूबियां ही आपका मार्गदर्शन करती है। अन्याय में सहयोग देना अन्याय के ही समान है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करूं। समय, शक्ति और पैसा कभी भी एक साथ नहीं आते। आज का पंचांग 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात्रि 3:14 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 2:44 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्र नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। वृश्चिक राशि 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, आपको दोस्तों का प्यार पाने के लिए थोड़ा नम्र बनना पड़ेगा। आप यह नहीं जानते लेकिन आपको घमंडी समझा जाता है, इसलिए यह सबसे अच्छा समय है कि आप दोस्तों की आलोचना करने के स्थान पर अपनी भूतकाल की गतिविधियों का विश्लेषण करें। यह आपके लिए अपने वर्तमान में झांकने का बहुत अच्छा समय है और आपको इसका उपयोग अपनी कमियां दूर करने के लिए जरूर करना चाहिए। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। यह बात भली भांति समझ लेगी। दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा, इसीलिए आज के दिन अपने धन का संयम रखने का विचार बने। विद्यालय का काम पूरा करने के लिए बच्चे आपसे मदद ले सकते हैं। आपका साथी आपका भला सोचता है, इसीलिए कई बार आप पर गुस्सा भी कर बैठता है। उनके गुस्से पर नाराज होने से बेहतर यह होगा कि आप उनकी बातों को समझें। अगर आपको एक दिन की छुट्टी पर जाना है तो चिंता ना करें, आपकी गैर हाजिरी में सभी काम ठीक से चलते रहेंगे। और अगर किसी खास वजह से कोई परेशानी खड़ी भी हो जाए तो आप लौटने पर उसे आसानी से हल कर लेंगे। दीर्घावधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। किराए की खरीदारी को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है। कन्या राशि में चंद्रमा आपको क्रियाशील बनाता है। इस दौरान आप कुछ भी पेंडिंग रखने के मूड में नहीं हैं। अभी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट के लिए कोई जगह नहीं है और आप चाहते हैं कि सब कुछ मनचाहे परिणाम लाएं। आप इस ऊर्जा का उपयोग अपने काम के लिए करें और हर संभव प्रयास को पूरा करें। अपनी आंखें और कान को खुला रखें क्योंकि आज का दिन आपको ऐसी औषधि दे सकता है जो लंबे समय में आपके पक्ष में काम करेंगी। शाम का समय आपके लिए अच्छा रह सकता है क्योंकि यह आपके दिन का सबसे भाग्यशाली समय है। भाग्य को आकर्षित करने के लिए हरे रंग के कपड़े पहने। लोगों के साथ मुलाकात के अवसर मिलेंगे तथा सामाजिक दायरा बढ़ेगा। कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता भी बनी रहेगी। पिछली कमियों से सीख लेकर आगे बढ़े, आपको नई उपलब्धियां मिलेगी। व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। लोगों की बातों के कारण तकलीफ हो सकती है, रुकावटें आएगी। इन रुकावटों को दूर करने का रास्ता भी प्राप्त होगा। कठिन समय में अपना हौसला बनाए रखने की कोशिश करते रहें। तनाव का असर काम पर ना हो इस बात का ध्यान रखें। कमाई बढ़ाने के लिए नए स्किल्स पर ध्यान दें। परिवार से संबंधित निर्णय लेते समय पार्टनर के साथ ही चर्चा करें। सेहत से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें भी हो सकती है, ख्याल रखें। आज के दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी पैतृक संपत्ति के मामलों में ध्यान देना होगा जो आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी। आप किसी के कहने में आकर कोई निवेश करने से बचें। आप मौज मस्ती से भरपूर रहेंगे और आपको अपनी आलस को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे और लेन देन से संबंधित किसी मामले में सावधानी रखें। सावधानियां। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मेल मिलाप रखने पर आपकी भी मान हानि संभव है।
वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में भी अवश्य लचीलापन लाएं। ज्यादा सोच विचार करने से मौका हाथ से निकल भी सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों की आपसी सामंजस्य से घर का माहौल और अधिक खुशनुमा हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना होने दें। आपको यह समझना होगा कि सीमाएं एक मर्यादित और स्वस्थ रिश्ते का सबूत है। अपने पार्टनर की निजी दायरे में कोई दखल अंदाजी करके उसे प्यार और देखभाल का नाम देने की कोशिश ना करें। यह भी जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को खुद पर नियंत्रण करने की छूट भी ना दें, क्योंकि इससे भविष्य में आप दोनों के बीच गंभीर समस्याएं हो सकती है। आज दंपतियों को बाहरी लोगों से अंतर संबंध के कारण मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। आपसी मतभेदों को मिटाने के लिए साथ बैठकर बातचीत करके और अपने मनोभावों को प्रकट करके आपसी मतभेदों को मिटाया जा सकता है। आपसी प्रेम एवं आत्मीयता को गहराइयों से अनुभव करेंगे। बात करते हैं करियर की। आपका व्यवसाय जिस तरीके से इन दिनों चल रहा है, ऐसे में भागीदारी की एक योजना आपके मन में काम कर रही है। आज के दिन आपको इस संबंध में बात करनी चाहिए, जिसे आपको सफलता व स्थिरता मिल सकेगी। अपने सभी विकल्पों को सही पड़ताल करें। जो व्यवसायकर्ता पर्यटन क्षेत्र में हैं, उनके खुले स्वभाव और जोखिम उठाने की क्षमता के कारण वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको धन से भी नवाजा जा सकता है। आपके सभी प्रयासों को एक के बाद एक सफलता मिलने के कारण आपको ऐसा लगेगा कि आप अजीय हैं। आपको अपने भाग्य की इस लाभ का पूरा फायदा उठाना चाहिए। यह उन सभी परियोजनाओं से निपटने के लिए सबसे अच्छा समय है जिससे आपको निराशा हाथ लग रही थी। आपका अपना आत्मविश्वास और ग्रहों का संयोग आज आपकी करियर संबंधी सभी बाधाओं को आसानी से दूर करेगा। आप में यदि आत्मविश्वास पैदा होगा, आप में अति आत्मविश्वास पैदा होगा, क्योंकि आपके सारे कार्य बड़ी खूबसूरती के साथ क्रियान्वयन हो रहे हैं। आज समय है कि आप अपना कदम पीछे लें और सोचें कि वास्तव में आपके लिए क्या आवश्यक है। उनका मूल्यांकन करें और ध्यान दें कि आप अपनी क्षमताओं से क्या हासिल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जितनी चादर है उतना ही पांव फैलाएं। आपको आगे जाने से पहले अपनी वित्तीय और करियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने भोजन में काफी परिवर्तन करने होंगे। अपने खाने में खूब फल सब्जियां, दूध और लीन प्रोटीन को शामिल करें, क्योंकि ये सब अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आपको यह अनुभव होगा कि आप जिस तरह का गलत खाना खाते हैं उससे आपकी सेहत प्रभावित हुई है। फिर भी खाने में इन बदलावों को लागू करना आपको योजना बनाने से भी कहीं अधिक मुश्किल लगेगा। अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए किसी दोस्तों को अपनी योजना में शामिल कर लें। आज का उपाय। आज आप पूजा के समय माँ लक्ष्मी को अखंडित चावल अर्पित करें। शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।